हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फानुवेद कुकिंग। आज मैं कच्चा आम का आम पापड़ बनाती हूँ। बहुत ही चटपटा होता है और ये एक दो दिन में बन के बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं यहाँ 2 मीडियम साइज का कच्चा आम ले लिया और चाहिए चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी आप ले सकते हो, गरम मसाला, ब्लैक सॉल्ट, मिठास के लिए चाहिए चीनी और आम पापड़ को ज़्यादा दिन स्टोर करने के लिए चाहिए विनीगर। आम को मैं छील लिया। आप डायरेक्टली मैं इसको पैन के ऊपर ही काट के छोटे छोटे पीस करके काट के डाल रही हूँ और इसका जो गुठली रह जाएगी उसको भी मैं फेंकूंगी नहीं, दूसरा और एक आम डाल के उसका चटनी बन जाएगी। तो दोनों आम को मैं छोटे छोटे टुकड़े में काट लेती हूँ। दोनों आम को मैं काट के रेडी कर लिया। आप पैन में पानी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, उतना ही डालना है जिससे आम बिल्कुल नरम हो जाए। ज़्यादा पानी डालोगे तो उसको फिर से रिड्यूस करने के लिए आपको ज़्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगी। गैस ऑन कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम में पैन को कवर करके इसे 2-3 मिनट पका लेती हूँ। तब तक पका लेना है जब तक आम नरम ना हो जाए। और ये गुठली मेरा रह गया है, इसको मैं बाद में चटनी बना लूँगी और एक आम डाल के। 3-4 मिनट हो गया है, एक बार चेक कर लेती हूँ। देख के पता चल रही है आम बिल्कुल गल गया है। अब मैं पैन के अंदर ही इसे हैंड मैसर से मैश कर देती हूँ। आप चाहो तो इसे बिल्कुल ठंडा करके ग्राइंडर पे ग्राइंड करके बिल्कुल पेस्ट बना सकते हो, पर मुझे आम पापड़ के अंदर, स्पेशली कच्चा आम पापड़ के अंदर थोड़ा थोड़ा चंक रहना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं हैंड मैसर से इसे मैश कर लेती हूँ। एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी होती है आम पापड़। तो मैश मैंने कर लिया, अब इसको थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। अब मसाला मिक्स करना है। पहले ही जाएगा चीनी। चीनी मैं यहाँ 1/2 कप डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा डाल सकते हो, पर कच्चा आम है थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा ही होते हो तो मीठी थोड़ी चाहिए होती है। ब्लैक सॉल्ट डाल दिया अपने स्वाद अनुसार, आप नॉर्मल रेगुलर सॉल्ट भी डाल सकते हो। गर्म मसाला, चाट मसाला और चिली फ्लेक्स और प्रिजर्व के लिए 2 चम्मच विनीगर। तो सारे मसाला मेरा डाल चुकी है। अब लो फ्लेम पे इसे फिर और एक बार पकाना है क्योंकि चीनी मेल्ट होगा, थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है ये। तो 2-3 मिनट और एक बार इसको पका लेती हूँ। इधर मैं एक ट्रे को ग्रीस कर लेती हूँ। इस ट्रे में आम पापड़ सेट करनी है, इसे साइड पे रख देती हूँ अभी। इधर ये भी ऑलमोस्ट रेडी है, 2-3 मिनट और थोड़ा सा पका लेती हूँ। बस ये हो ही गया है। ये धीरे धीरे जैम का कंसिस्टेंसी जैसे लेते जाएगा, दैट मीन्स ये हो गया है। मैं गैस बंद कर देती हूँ अभी और इसे ट्रे के ऊपर डाल देती हूँ। अब एक स्पैचुला लेके मैं चारों तरफ इसे अच्छी तरह से इक्वली स्प्रेड कर देती हूँ। अब इसे डायरेक्ट सनलाइट के नीचे रख देती हूँ। अब डिपेंड करता है, एक दिन पे भी सूख जाएगा, 2 दिन भी लग सकता है, वो सनलाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अभी इसको छत के ऊपर रख के आती हूँ, ऊपर एक पतला कपड़ा डाल दूँगी। 2 दिन के बाद मेरा ये रिजल्ट आया है, आम पापड़ बिल्कुल सूख के तैयार है। अब साइड से पहले मैं चाकू से इसको छुड़ा लेती हूँ और धीरे धीरे रोल करती जाऊँगी। आप चाहो तो सिंगल स्ट्रिप काट भी सकते हो, जैसे मर्जी आप इसको उठा सकते हो। मैं थोड़ा थोड़ा करके काट साइड को छुड़ाते जाऊंगी और रोल करते जाऊंगी। तो कुछ इस तरह से मैं इसको रोल करते हुए छुड़ा लेती हूँ। ये मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है रोल। अब इसे छोटे छोटे पीस करके मैं काट लेती हूँ, जिसे स्टोर करने में भी इजी होगी। तो कट गई मेरा सारा आम पापड़ का रोल। आम पापड़ मेरा बनके तैयार है। ये मैंने पहले काफ़ी सारा बना के रखी थी, तो मेरा कच्चा आम पापड़ का रोल बनके तैयार है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। अब भी बनाइए, बहुत ही इजी है, कच्चा आम अवेलेबल है, धूप भी है। थैंक्स फ्रेंड मेरे वीडियो देखने के लिए। आगे भी बने रहिए, होममेड सिंपल रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ। पसंद आई तो अपना फ्रेंड सर्कल और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। न्यू व्यूअर्स को अगर मेरे रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।